बेटा हम के अंदर वो क्या है, हम लोग तो छोड़ने जाने वाले थे, कहीं भी छोड़ते फिर जाके दूर नहीं कहीं भी नहीं, इसलिए तो फोन लगाया फिर बोला कि भाई अपन दूसरे को ही भेजें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में, और आप देख रहे हैं इंदौर का सर्वमित्र बंटी भाव यूट्यूब चैनल। तो अभी हम आए हैं कनालिया गांव में, तो यहां पर गुलमोहर परिसर। तो भैया ने हमें फोन किया था, इस ड्रम के नीचे भैया ने अजगर सांप ढाक रखा है, जो कि बहुत ही गुस्सेल सांप होता है, इंडियन रॉक पाइथन जिसे कहा जाता है। तो इस ड्रम के नीचे दिखा रहे, ड्रम दिखा रहे, ऊपर से डाल रखा है, ऊपर से इन्होंने अजगर सांप डाल रखा है इसके अंदर। तो चलिए सर, रेस्क्यू करते हैं, यहाँ से निकालते हैं उसे, किस तरीके से देखना पड़ेगा उसको, क्योंकि काफी गुस्सेल सांप होता है अजगर, और बाइट कर सकता है। वैसे सांप अजगर में जहर नहीं आता है, पर किसी भी जहरीले सांप से वो जल्दी आपकी जान ले सकता है। अगर आपके गले में लपेट दे तो 3 मिनट में किसी भी इंसान की जान ले सकता है, तो उसे बड़ी सावधानी से हमें रेस्क्यू करना पड़ेगा यहाँ से। तो चलिए उसे निकालते हैं यहाँ से, तब तक तो बोरी हटाना पड़ेगी। हमने यहाँ पर सेट कर दिया है, पहले देखते हैं इस तरीके से पकड़ कर, इस तरीके से अंदर जाता है तो नहीं तो फिर हमें प्लान दूसरा करना पड़ेगा। तो आप इधर, तो इस ड्रम के अंदर इन्होंने हाथ रखा है, करना जीतू बन जानी ये बोल रहा हूं। हां इधर भाई, इधर भी बात लगा बोरी हटा दे। ये आप देख सकते हैं इंडियन रॉक पाइथन, जिसको कि हम अजगर भी कहते हैं। तो ये इंदौर में काफ़ी रेयर ही केस में, बहुत ही रेयर में मिलता है ये। यहाँ पर अभी आसपास काफ़ी जंगल होने के कारण ये यहाँ आ गया है। तो चलिए ड्रम में से निकालते हैं इसे, तो पहला रेस्क्यू होगा मेरा अजगर का ये। चलो दोबारा मोटा है यह अजगर, काफी बड़ी साइज में, देखिए किस तरीके से फुफकार मार रहा है। हमने देखा ज्यादा परेशान न करते हुए हमने इसे बड़ी सावधानी से इसे रेस्क्यू किया है अजगर को। हाथ में
ये तो ये था हमारा आज का इंडियन रॉक पाइथन का रेस्क्यू, जो कि इंदौर में बहुत ही रेयर केस में मिलता है। ये मेरा पहला ही रेस्क्यू है, मेरे को लगभग 10 से 12 साल हो गए सांप रेस्क्यू करते हुए, पर पहला रेस्क्यू मेरा अजगर का। तो अजगर के बारे में जानकारी आपको देना चाहूँगी। अजगर जो होता है बहुत ही गुस्सेल स्वभाव का सांप होता है, पर वैसे तो ये जहरीला नहीं होता है, पर अगर काट ले और अगर आपकी गर्दन पर लपेट जाए तो किसी भी जहरीले सांप से जल्दी आपकी जान ले सकता है, क्योंकि अगर गर्दन पर लपेटने के बाद आप सांस नहीं ले पाएंगे तो 3 मिनट के अंदर व्यक्ति की मौत हो जाती है। और इसकी अधिकतम लंबाई लगभग 15 से 20 फीट तक ये लंबे हो जाते हैं। इनमें जो फीमेल होती है फीमेल ज़्यादा लंबी हो जाती है, मेल जो होते हैं मेल ज़्यादा लंबे नहीं हो पाते हैं। तो चलिए अब हम इसे चलते ले चलते हैं चिड़ियाघर में, क्योंकि चिड़ियाघर से फोन आ रहा है, चिड़ियाघर से रेफरेंस है, तो वहीं ले जाएंगे सर से, फिर पूछेंगे इसका आगे क्या करना है, चिड़ियाघर में रखना है, रिलीज करना है। तो चलिए इसे ले चलते हैं जी चिड़ियाघर पर। कोशिश करो, डब्बा बहुत छोटा है, देखते करके कभी आ वो डब्बे में आ रहा, आ गया है, वो लग नहीं रहा था डब्बे में आ जाएगा, डब्बे में आ गया। तो ये हमारा अजगर रेस्क्यू हो चुका है भैया। ये सॉन्ग है यार। तो अभी जो हमने अजगर रेस्क्यू किया था ग्राम कनाड़िया से, तो अभी उसको जू में हमने ऑब्जर्वेशन के लिए रखा है, बाद में जू डिपार्टमेंट की तरफ से उसे वाइल्ड में रिलीज कर दिया जाएगा।